अपने शौहर को जिस तरह से धोखा दिया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। 7 फेरों के साथ उसने अपने पति के साथ रहने की कस्में खाई थी, लेकिन उसके मन में लालच की ऐसी चिंगारी भड़क रही थी जिसमें कोई गैर नहीं बल्कि उसका पति ही जल गया। क्या है दुल्हन का डबल गेम, आप भी देखिए। दगाबाज दुल्हन का डबल गेम। बेवफाई के खंजर से शौहर को किया जख्मी, पहले रचाई शादी फिर जेवरात लेकर हुई फरार। इन तस्वीरों को देखिए, शादी की इन तस्वीरों में जो दुल्हन दिख रही है उससे जो गेम खेला है उसे जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। आरोप है कि जोधपुर के विजय ने शादी करने के लिए ललिता के परिवार वालों को करीब 1.5 लाख रुपए नकदी और 30 तोला सोना और शादी के जेवरात दिए, जिसके बाद ललिता के परिवार वालों ने उसकी शादी विजय के साथ करवा दी। शादी के बाद विजय और ललिता साथ रहने लगे, लेकिन शौहर विजय को पता नहीं था कि ललिता उसके साथ क्या गेम खेलने वाली है। दिन था करवा चौथ का और विजय के घर में पूजा की तैयारी चल रही थी। तभी ललिता विजय से कहती है कि बाजार से जाकर वो पूजा का कुछ सामान ले आए। जैसे ही विजय घर से बाहर जाता है उसकी पत्नी ललिता घर से भाग जाती है। पहले तो विजय को यकीन ही नहीं होता कि उसकी पत्नी कहाँ गई है, लेकिन बाद में उसकी बीवी ने किसी और मर्द के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर डाल दी और उस मर्द को अपना पति बता दिया। विजय का आरोप है कि उसकी बीवी उसके घर से काफी जेवरात चुरा कर ले गई है। और जो भी है हम तो कुछ ध्यान दिए नहीं, हम तो काम देने वाले गए, काम देने पे चले गए और घर सुना था और जो भी है गहने पहन के और 10:30 बजे अपने घर से और जो भी है फरार हो गई। पीड़ित परिवार ने थाने में ललिता की शिकायत की है, मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। 5 से 6 लाख रुपए इसने लोन लेकर ये शादी की थी, यहाँ पे रिसेप्शन किया था, यहाँ से बारात लेकर वहाँ पर गए हैं, सारी कार्रवाई हुई है हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के साथ में उन्होंने कार्रवाई की और यहाँ पे उस पत्नी को यहाँ पर भेजा। वो यहाँ पे 4 महीने रही और 4 महीने के बाद में पहले पति के साथ में हाईकोर्ट से आदेश लेकर वापिस अपने पहले पति के साथ में जोधपुर से भाग गई, जिसमें पूरे के पूरे षड्यंत्र करने वाले उसके ससुराल पक्ष है, ससुराल पक्ष और पहले पति के खिलाफ में हमने ये कार्रवाई की। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी बीवी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और डबल गेम खेलने वाली बीवी पर कार्रवाई कब तक हो